हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा बेल्ट वाली सलवार काटना। तो ये सलवार आप किस हिसाब से काट सकते हैं, बिल्कुल इजी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मोहम्मद ताई चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका नाप बताता हूँ। सलवार की लंबाई है 36 इंच, 36 लेंथ है, और इसका जो पोंचा नीचे से बॉटम होगी वो होगी 7 इंच, 7 इंच की इसकी बॉटम है, और 22 इंच की इसकी बेल्ट है। अब हम इसको आपको बताते हैं किस हिसाब से कटिंग करनी है। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा है, हमने प्रेस करके पहले इसे साफ़ कर लिया है। आप कोई भी कपड़ा हो, पहले उसे आप प्रेस कर लें, उसके बाद ही अच्छी तरीके से आप कटिंग कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आप अपने कपड़े को इस हिसाब से देखिए, आपको इस हिसाब से पकड़ना है सलवार में। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कपड़ा है, ये कपड़ा है करीब 2.5 मीटर, तो हम इसे इस हिसाब से कटिंग करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले इसको इस हिसाब से मिला लें। मिला के पहले आप काउंटर पे ऐसे बिछा के देखेंगे, या हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ओके बैठ चुका है, ये कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, आप यहाँ से देखेंगे ओके करने के बाद, ये देखिए आपका जो इतना आड़ापन था ये निकल चुका है। अब आप इसको इस हिसाब से पकड़ें और आप अपने पास थोड़ा खींच के लाके इसको इस हिसाब से डबल था, अब इसे आप चौड़प्पल कर दें, यानी कि चार तय हो गई है आपकी। ठीक है, चार तय करने के बाद इसे अच्छी तरह से ये देखिए सेट कर लेंगे। जब आप चार तय हो जाएगी तो आप इसको अपने करीब में लाएँ और बिल्कुल सीधा रखें, इस हिसाब से आप अच्छी कटिंग कर पाएंगे। फिर आप फुट्टे की मदद से जितना भी ऊपर का आड़ापन था उस कपड़े को सीधा करके निशान लगा लें। आप जब ये निशान लगा लेंगे तो आपको इंची टेप से, आपको देखो कोई भी लेंथ हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वैसे ही कटिंग करनी है और आपकी लंबाई ओके आ जाएगी। तो हमारी लंबाई 36 इंच है, तो हम हर सलवार में 5 इंच बेल्ट वाली में ऊपर छोड़ेंगे और इस हिसाब से लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर लंबाई रखेंगे हम 36 इंच पे निशान लगा लेंगे। जब हम 36 इंच पे निशान लगा लेंगे तो हम इसे फुट्टे से इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हमारा पोंचा है 7 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच लिख लेते हैं, और 7 और 3 10, 10 इंच पे आप एक निशान लगा लें। ठीक है, जिसको हम इस हिसाब से तिरछा कटिंग करेंगे। तो अब हम पहले इसे सीधा कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से हल्का सा तिरछा जो हमारा पोंचे का हिस्सा होगा। अब हम ऊपर आते हैं, ऊपर हम इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे और उसके बाद ये सेंटर में कट लगाएंगे। ये होगा हमारा क्रीज का सेंटर, ये हमारे पार्ट हैं, ये हमारे क्रीज का सेंटर होगा, और इस हिसाब से हम नीचे वाला जो कपड़ा होगा उसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो आप देखेंगे इस हिसाब से हमारा ये पार्ट बन के आ जाएगा। तो हम इसको इस हिसाब से लपेट लेते हैं और इसको अलग रखते हैं। अब हमारा ये कपड़ा है, देखिए सलवार कटिंग करने का, तो आप कपड़े को इस हिसाब से खींचते लाएं, आप इसको इस हिसाब से किनारी पकड़ें थोड़ी लंबी, और पकड़ने के बाद आप इसको इस हिसाब से बिछाएं बिल्कुल बराबर से। आप जब बिछा लेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से जितनी भी झोल है या तो प्रेस कर लें, हाथ से सेट कर लें। ये देखिए बिल्कुल ओके बैठ गया। अब आपको क्या करना है, आपकी लंबाई 36 इंच आपने नापी थी, यहाँ से आप थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, अगर आड़ापन आपको लगे तो आप हल्की से कैंची से इसे सेट कर सकते हैं। और अब देखिए आप, ये आपका इंची टेप है, जैसे हमने उसमें 5 इंच ऊपर छोड़ा था, छोड़ने के बाद यहाँ भी आप 36 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप लगाएंगे 9.5 इंच पर निशान, क्योंकि जो इसकी बेल्ट है वो 22 इंच है, यानी कि वो काफ़ी हल्का साइज है, तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। फिर आप इंची टेप को ऐसे रखें और इस कुंडे तक देखिए जो निशान लगाए हैं, आप इसको इस हिसाब से निशान लगाएंगे। ये देखिए रहे आप निशान, आपको दिखता होगा, मैं करीब से दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए जो निशान था आपको नज़र आता होगा, अब आप इस निशान पर इसे कटिंग कर लें। आपको एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखना है, हमने जो नीचे से बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया, ये हमने इसलिए मार्जिन नहीं दिया क्यों, हमने पहले जो पार्ट में काटा था पोंचा, उसमें हमने पोंचे की लेंथ निकाल ली थी,
3 इंच एक्स्ट्रा। अगर हम उसमें कभी भी लेंथ कम निकालेंगे, जैसे 7 इंच पहुंचा है और आप 7 इंच अगर निकाल लेते हैं, तो उसमें आपको यहाँ से 3 इंच बढ़ा के रखना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो कपड़े के हिसाब से हम ये कटिंग करते हैं। तो अब हम जैसे ये कटिंग कर लेंगे, तो हम इस कुंडे को ऐसे उठाएंगे, चाहे वो प्रिंट वाली सलवार हो या कोई भी सलवार हो, सलवार इसी हिसाब से कटेगी अगर कपड़ा जा रहा है तो। फिर आप इसको नीचे से ऐसे मिलाएं, फिर आप इसको इस हिसाब से बराबर से मिला लेंगे, तो आप देखेंगे अगर आप सलवार रोक के काटते हैं तो ये जो चीज़ है आपकी बिल्कुल बराबर मिल के आ जाएगी। मिल के जब आएगी आप इसको सीधा कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आप इसको ऐसे करके ये मार्जिन काट लें, ये मार्जिन आपका कट गया, ये आपके निकल गए 4 कुंदे। अब आप इसको लपेट के इसे भी अलग रख लें। अब हम काटेंगे इसकी बेल्ट, तो बेल्ट के लिए देखिए काफ़ी कपड़ा बच गया है, तो आप इसको कैसे भी निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सलवार काटें, बहुत इजी तरीका है। आप इसको देखिए इस हिसाब से उठाएं और पहले किनारे से किनारे मिला लें और कपड़े को कर लें बिल्कुल ओके, जिससे कि आड़ ना कटे। और यहाँ से जो हमारी बेल्ट की लंबाई है वो है 22 इंच, तो यहाँ से हम रखेंगे 23 इंच पर लगाएंगे निशान। 23 इंच के बाद हम यहाँ पे बेल्ट की जो चौड़ाई होगी वो रखेंगे हम 9.25 इंच पे, और उसे करेंगे फुट्टे की मदद से सीधा। और अब हम इस निशान पे कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद आप इसको इस हिसाब से कटिंग कर लें। तो ये दोस्तों कट चुकी है आपकी बेल्ट। अब मैं आपको समझा देता हूँ लंबाई का हिसाब किताब। देखिए दोस्तों, जो आपकी बेल्ट कटेगी 9.25 इंच की, इतना जाएगा आपका इसमें मार्जिन। बेल्ट की लंबाई आएगी 6 इंच तैयार, और 6 इंच के बाद आप इसको जब ऐसे फोल्ड करके आपको जितना नेफा तैयार करना है उतना नेफा तैयार कर लें, आपकी लेंथ आएगी 6 इंच तैयार। तो हम 6 इंच यहाँ पर हम तैयार रखेंगे लेंथ को। अब हम इसे हटा देते हैं, और जो हमने पार्ट काटा था अपना, उसको हमने काटा था 5 इंच छोड़ के ऊपर से। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि लेंथ कैसे पूरी होगी। तो आप हमेशा 5 इंच का हिसाब करके रखें, और आसन अपने हिसाब से रखेंगे, आसन अपने हिसाब से रखना होता है। तो अब देखिए 6 इंच हमारा वहाँ पे था, अब हमारा 1/2 इंच मार्जिन जाएगा यहाँ पर बेल्ट में, 1/2 इंच मार्जिन जाएगा हमारा पोंछे में। तो अब हम यहाँ से इसकी लंबाई देखते हैं, यहाँ से लंबाई हम जब इसकी नापेंगे तो ये देखिए हमारी लंबाई आ गई 30 इंच। 30 इंच हमारी लंबाई तैयार होगी, तो हमारी जो बेल्ट है वो होगी 6 इंच तैयार। 30 और 6 36 इंच की हमारी सलवार तैयार आ गई। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप हमेशा 5 इंच छोड़ के ही जो आपकी लंबाई तैयार हो आप वहाँ पे निशान लगा के इसे कट कर दें, और 9.25 इंच की बेल्ट काट दें, आसन साइज के हिसाब से रख लें, बिल्कुल आपकी ओके कटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप आए हमारे चैनल पे पहली बार मोहम्मद तारिक चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।